हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो आज जब पहली बार बीजेपी के नेता बनकर भोपाल पहुंचे तो उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। एमपी के सियासी गलियारों में एक चर्चा खूब हो रही है कि आखिर सिंधिया जैसे बड़े नेता को कांग्रेस ने हाथ से जाने कैसे दिया। क्या यहां भी खेल पुत्र मोह में हुआ है, बेटों के वास्ते सिंधिया को लगा दिया रास्ते। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीमान सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ है, पूरे हजारों की तादाद में लहर है युवाओं में। मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी में उनका अभिनंदन है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, 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 अरे सिंधिया जिंदाबाद, 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 अरे सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस के महाराज रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर पहली बार गृह राज्य की राजधानी पहुंचे तो स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 साल पुराना अपना रिश्ता कांग्रेस से तोड़ा है और इस रिश्ते के टूटने की जड़ में एक नाम जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने आज राज्यसभा के लिए भोपाल में नामांकन किया है। कहा तो जा रहा है कि इसी राज्यसभा की सीट के लिए सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश नायक खुलकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की ये लड़ाई दो राज परिवारों की लड़ाई है। दो राज परिवार मतलब सिंधिया परिवार और दिग्गी परिवार। मान अपमान का झगड़ा हुआ राजा और महाराजा के बीच में, ये उनकी पारंपरिक स्वतंत्र वर्चस्व की लड़ाई है। पहले कभी माधव राव जी भी को भी हाशिए में डाला 5 साल, पर उन्होंने कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर अलग है। मुकेश नायक के इस आरोप को दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन खारिज कर रहे हैं। सवाल बार बार आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि राजा और महाराजा की लड़ाई में सरकार पे संकट आ गया, दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ जी। देखिए, लड़ाई कभी नहीं थी। सिंधिया जी इस प्रदेश के और विशेषकर कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। अब इन दो राज परिवारों की लड़ाई का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरा दांव चला गया है। सिंधिया को लगता था कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, तो हो सकता है कि कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं को ये लगता रहा हो कि सिंधिया के कांग्रेस में रहते उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं। और इसी भविष्य को उज्जवल करने की मंशा से दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी ने सिंधिया को साइडलाइन कर दिया हो। फिलहाल सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के युवराज रह गए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय दोनों 73-73 साल के हैं। कमलनाथ के बेटे 45 साल के नकुलनाथ पहली बार सांसद बने हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे दिग्विजय के बेटे जयवर्धन 33 साल के हैं। यानी दिग्विजय और कमलनाथ अपनी उम्र की राजनीति कर चुके हैं, अब उनके सामने बेटों का भविष्य बनाने का समय बचा हुआ है और सिंधिया को साइड किए बिना ये संभव नहीं था। लिहाजा हो सकता है कि दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी ने पूरी प्लानिंग के साथ सिंधिया के कांटे को रास्ते से हटाया हो। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।